हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कार्तिक। तो गाइस, न्यूली लॉन्च टोयोटा ग्लैंजा डीलरशिप तक पहुंच चुकी है। वैसे टोयोटा ने इसे 15th ऑफ मार्च को ही लॉन्च कर दिया था, लेकिन शोरूम में ये अभी देखने को मिली है। तो गाइस, इस बार टोयोटा ग्लैंजा पुरानी ग्लैंजा से टोटली डिफरेंट है। इस बार टोयोटा ने इसे 14 न्यू फीचर्स भी एड ऑन किए हैं। तो वो कौन कौन से फीचर्स हैं, उनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, टोयोटा ने इस बार ग्लैंजा में टोटल 4 वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं, जो कि ई, एस, जी और वी है। ई इसका बेस वेरिएंट है और वी इसका टॉप। पहले इसमें केवल 2 ही वेरिएंट जी और वी मिलते थे, लेकिन इस बार टोयोटा ने इसमें 2 नए वेरिएंट्स और लॉन्च कर दिए हैं, जो कि काफी अच्छी बात है, बिकॉज अब जिनका बजट कम होगा वो भी इसे खरीद पाएंगे। तो इसके बेस वेरिएंट का प्राइस 6.39 लाख से स्टार्ट होकर टॉप मॉडल का प्राइस 9.19 लाख तक जाता है, और ये इसका इंट्रोडक्टिव प्राइस भी है, बिकॉज ये आगे चलकर बढ़ जाएगा। तो चलिए अब एक नजर इसके एक्सटीरियर पर भी डाल लेते हैं। तो ऐसा कुछ नजर आता है न्यू ग्लैंजा का न्यू लुक। तो फ्रंट में ऐसी कुछ नजर आती है इसकी ग्रिल, जिसमें कि बीच में क्रोम का एक लंबा पार्ट यूज किया गया है और उसी के बीच में एक टोयोटा का लोगो भी लगाया गया है। और इसके फ्रंट को सबसे खास बनाता है वो इसका बम्पर। इस बार ग्लैंजा में स्पोर्टी बम्पर यूज किया गया है, जो कि इसकी रोड प्रेजेंस को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। ओवरऑल इसका फ्रंट लुक बलेनो के कंपैरिजन में काफी अग्रेसिव है, और हेडलैम्प्स इसमें फुली एलईडी दिए गए हैं और डीआरएल में लाइनिंग वाली दी गई है, लेकिन बलेनो में ट्रायो बीम डीआरएल मिलती है और सबसे नीचे की ओर उसमें हाइलो फॉगलैंप्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो बात करें साइड प्रोफाइल की, तो साइड में सबसे पहले अट्रैक्शन बढ़ाते हैं वो है इसके अलॉय व्हील्स। तो इसमें 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि बलेनो के अलॉय व्हील्स से बिल्कुल ही डिफरेंट है। और डोर हैंडल्स इसमें क्रोम में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट सेंसर इसके ड्राइवर साइड ही दिया गया है, और ORVM से इसमें बॉडी कलर ही देखने को मिलता है, और ORVM के नीचे इसमें 360 डिग्री कैमरा भी प्लेस्ड किया गया है। और रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर से ऐसी कुछ नजर आती है इसकी रियर लुक, जो कि पहले से थोड़ी बहुत चेंज है, और टेल लैंप्स इसमें LED देखने को मिल जाते हैं, और बूट स्पेस इसमें 380 लीटर्स का मिलता है, जो कि एक हैचबैक के हिसाब से काफी डिसेंट है, और स्पेयर व्हील इसमें 15 इंच का मिलता है, जो कि एक साइज छोटा है। तो चलिए अब देख लेते हैं न्यू ग्लैंजा के इंटीरियर को। इस बार इसके इंटीरियर को थोड़ा प्रीमियम, स्पोर्टी एंड लग्जरी बनाया गया है। तो इसका इंटीरियर ब्लैक एंड बेज कलर के कॉम्बिनेशन में मिलता है, जिसमें कि बीच में पियानो ब्लैक फिनिश का टच भी दिया गया है। बलेनो में यही सेम इंटीरियर मिलता है, लेकिन उसमें ब्लैक एंड ब्लू कलर का यूज किया गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके फीचर्स को। तो गाइस, इसमें 9 इंच की फ्लोटिंग टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले सपोर्ट के साथ आती है, और इस बार इसमें हेड टोयोटा कनेक्टिव टेक्नोलॉजी भी दी गई है। ये एक तरह का वॉइस कमांड फीचर है, और इसी के साथ साथ इसमें हेडसेट डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, फ्रंट स्लाइडेबल आर्मरेस्ट, रियर एसी बेल्ट्स एंड कीलेस एंट्री जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। और सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस बार इसमें 6 एयरबैग्स, ABS with EBD, hill hold control, traction control and 4 reverse parking sensors जैसे कुछ सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, और पहले से इसकी बिल्ड क्वालिटी को भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया गया है। ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया है, लेकिन थोड़ा बहुत इम्प्रूव तो हो चुकी है, बिकॉज पहले से इसका कर्व वेट 20 kg तक बढ़ गया है। तो गाइस, अब बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शंस एंड ट्रांसमिशन की। तो इसमें मारुति का वही 1.2 लीटर ड्यूल जेट पेट्रोल इंजन आता है, जो कि 89 PS की पावर और 114 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और इसमें 22 KMPL का माइलेज भी कंपनी क्लेम कर रही है, जो कि रियल लाइफ में 20 KMPL का ही निकल कर आएगा। और ट्रांसमिशन इसमें 5-speed मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ही अवेलेबल है। और बात करें इसके डायमेंशंस की, तो इसकी ओवरऑल लेंथ है 3990 mm, ओवरऑल विड्थ 1745 mm, और ओवरऑल हाइट है 1500 mm, और इसमें 2520 mm का व्हील बेस भी मिल जाता है, और इसी के साथ साथ इसमें 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जो कि छोटी गाड़ी के हिसाब से डिसेंट है। और आप सब कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको बलेनो पसंद आई या ग्लैंजा, बिकॉज मुझे पर्सनली ग्लैंजा ज्यादा पसंद आई है। और इसके सभी वेरिएंट्स का प्राइस आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।